तो अगर दोस्तों बात करें आज की कक्षा के बारे में, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपका डिजीज यानी बीमारियों के बारे में। तो लास्ट टाइम पे क्या मुझे एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने विटामिन का एक पार्ट कर लिया था, राइट? है ना, राइट? एक विटामिन का हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ लिया था ना इससे पहले। हाँ ना, पढ़ा था हम लोगों ने इससे पहले। क्या इससे पहले? मतलब लास्ट क्लास में, रिमेम्बर? चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे तरीके से आपको याद करा देंगे आपको ना केवल। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मुझे बताइएगा, आप लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे याद करने में परेशानी होती है? याद होती है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में याद नहीं हो पाता है? होता है ऐसा क्या? चलिए, तो अब तक बताते रहिएगा मैसेज में, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे आज की कक्षा के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए तीन महत्वपूर्ण बातें, तीन महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए। नंबर वन, कि कभी भी यहाँ पे जो आपके कमेंट्स होंगे वो हमेशा आपके टॉपिक रिलेटेड होंगे, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, राइट? टॉपिक रिलेटेड ही यहाँ पे हम लोगों को बातचीत करनी है। और इसके अब मेरी आवाज क्लियर है विनय? चलिए, और अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो इसके अलावा, हाँ, और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो डाउट्स हैं वो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको डाउट सेशन में ही पूछने हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको डाउट सेशन में ही आपको इसको पूछना है। और तीसरी चीज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए रेटिंग। रेटिंग जो है दोस्तों ये आपको देनी है हमेशा 4 स्टार, यानी चांद तारे देने हैं। अगर अच्छी लगे तो 5 सितारा इसको बना देना। डन है सर? क्वालिटी की क्लास नहीं हो रही है शुरू से, क्वालिटी क्लास अभी आपकी लगेगी। अमित जी यहाँ पे जो है ना, आपकी अपाला मैडम आई है, ठीक है? तो अभी उनकी क्लासेस आपकी शुरू होंगी। अपाला मैडम है उनके लिए, पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए। तो अपाला मैम जो है आपके लिए ये पॉलिटी की क्लासेस आपको यहाँ पे रेगुलर वे पढ़ाएगी, ठीक है? डोंट वरी, मे भी हो सकता है आज या कल, या हो सकता है नेक्स्ट वीक पे उनकी यहाँ पे क्लासेस आपकी अरेंज हो जाए, ठीक है? क्या हो गया बताइए? अपाला मैम कौन सी? यूपीएससी वाली? हाँ, यूपीएससी वाली। हाँ अमित, बताओ क्या शिकायत है आपको? बताओ क्या शिकायत है, क्या कह रहे हो कि आप लोग क्या करते हो ऐसा ऐसा, आपको क्या लगा? बताओ क्या परेशान है, ये तो समझो आखिरकार। अगर अमित ने अगर ऐसा बोला तो क्यों बोला, राइट? क्या समस्या है? अमित बताना जरूर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए देखो, अगर कोई बात को उसको फिर पूरा क्लैरिफाई एटलीस्ट कर दो तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या समस्या है एग्जैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज आप लोग यहाँ पे जो है पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में। बीमारियों की अगर मैं प्यारे साथियों बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो बीमारियां होती हैं इनको अगर हम लोग देखें, तो कितने प्रकार की बीमारियां होती है हमारे शरीर में, कोई आइडिया है कितने प्रकार की यहाँ पे हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं? एनी आइडिया? तो प्यारे साथियों हमेशा एक चीज याद रखना कि आपके शरीर में जो बीमारियां होती है ना, राइट? अमित कहाँ चले गए? अमित कमेंट करके भाग तो नहीं गए कहीं? बताना जरूर है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, याद रखिएगा हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है, ठीक है? पहले बीमारियों को एक बार देखते हैं। बीमारियां इंग्लिश में इसको हम लोग यहाँ पे डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो बीमारियां होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपका कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपके दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज होती है, इनको हिंदी में कहते हैं संचारी रोग। बिना नाम बता पाओ संचारी रोग के बारे में? कोई एक संचारी रोग जो आपको पता हो यहाँ पे, कौन सा है जो आपके लिए संचारी रोग होता है? कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे ज्यादा मौतें भी उसी यहाँ पे संचारी रोग से होती है। और दूसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा नॉन कम्य, हाँ शाबाश, वेरी गुड सुमित। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए एक और हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा हो गया आपके लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संचारी रोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? गैर संचारी रोग। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो संचारी और गैर संचारी रोग होते हैं, राइट, इनको अगर हम लोग यहाँ पे आपका डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पे संचारी रोग का मतलब ये होता है कि ये आपका किसी कांटेक्ट की वजह से आपके शरीर में आते, ये संपर्क की वजह से आते हैं। संपर्क ये मत समझिएगा कि संपर्क सिर्फ मनुष्य का होता है। संपर्क यहाँ पे आपका दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, उसे बैक्टीरियल डिजीज कहेंगे,
हिंदी में इसको यहाँ पे हम लोग जीवाणु कहते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे वायरस की वजह से भी होता है दोस्तों, इसको हम लोग विषाणु कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के अलावा वायरस, और तीसरा जो यहाँ पे आप हो जाएगा उसको हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। अमित कहाँ चले गए? अमित आर यू देयर? एक बार कमेंट जरूर करो, है ना। तुम तो खाली बस दो लाइनें कह के चल दिए, है ना। अब हमें लगा कि शायद आप बात करना चाहते हैं, ठीक, कमेंट करना, ठीक है, पता चल जाएगा एटलीस्ट आप प्रेजेंट। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो प्रोटोजोआ हो जो होते हैं, राइट, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारी होती है उसे प्रोटोजोअन बीमारी कहते हैं। अभी देखना आपके लिए एग्जाम में सवाल कहां से पड़ता है बीमारियों में, है ना। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक और यहाँ पे आपके लिए होता है रोग, जिसको हम लोग यहाँ पे फंगल रोग कहते हैं, कवक रोग कहते हैं, फंगल रोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, कवक रोग के नाम से जानते हैं। तो ये मेनली आपके चार प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, आपके लिए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। डन है? दो हवा में रहते हैं हमेशा, दो हमेशा हवा में रहते हैं, एक आपका जो है ये पानी में रहता है, राइट, और एक जो है आपका ये जमीन में रहने वाला रोग। भाई बैक्टीरिया वायरस कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, बोलो आगे ना, ठीक है। और वहीं अगर बात करें प्रोटोजोआ के बारे में, कहाँ रहेगा? पानी में रहेगा। और अगर बात करें कवक के बारे में, तो वो जमीन पर रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें, ये होगा आपके लिए कॉन्टेक्ट आपसे होने वाले बीमारी। इसमें दोस्तों अगर बात करें आपसे, जो संपर्क से होने वाले जो आपके रोग होते हैं, राइट, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो संपर्क से होने वाले जो रोग होते हैं, इनके बारे में जरा एक चीज जानिएगा कि आपके लिए प्यारे साथी, वेट, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो संपर्क से जो यहाँ पे रोग होते हैं, राइट, संपर्क से जो आपके यहाँ पे दोस्तों रोग होते हैं, इनके बारे में एक चीज जानिएगा कि जो सबसे ज्यादा आपका प्रभावी यहाँ पे दोस्तों, आपका जो डिजीज है, सबसे ज्यादा प्रभावी जो आपका रोग है, उसको यहाँ पे हम लोग आपका एड्स के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग आपका एड्स के नाम से जानते हैं, वो एड्स है ना। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। तो ये एड्स है जो सबसे प्रभावी रोग, सबसे ज्यादा इससे मौतें होती है ना। वहीं अगर मैं कहता हूं आपसे गैर संचारी रोग, सबसे ज्यादा तो कोरोना हो गया ना। कुछ मौतें देख ली तो इतना आसान समझा। क्यों सुनो, केवल कुछ मौतों में है, वो तो खबरें सुनी थी आपने। अभी तो कई ऐसे लोग होते हैं जो एड्स से मर जाएंगे, वो बताएंगे थोड़ा ना कि एड्स से मरे। कई लोग हैं बेचारे इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं, राइट, वो आके बताएंगे थोड़ा ना खांसी से मर गए, उनसे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे जान ले सकती है, याद रखना, एक तो एड्स, एक इन्फ्लुएंजा और एक रोड एक्सीडेंट, इनसे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, आप कहीं पे भी जाकर देख लेना, ठीक। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कभी भी, ये मत सोचना हम अपने मन से तुमसे बैठे गपोले कर रहे हैं बैठ के, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ जी, पुष्पांजलि की जय हो। कैसे हो बेटा? तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ पे इन तीन चीजों का पालन करना है, राइट। यहाँ पे आपके लिए कमेंट है, डाउट है और रेटिंग, ठीक है, इसका हमें खास ख्याल रखना है। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों गैर कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, तो आपके लिए हे भगवान। नहीं नहीं तुम्हें लगा होगा, कुछ लोग ना यहाँ पे वो नहीं करते, उसका उल्टा करते, सोचो उल्टा क्या होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए जो गैर संचारी रोग होता है, इसके अंतर्गत मतलब ये कि आपको कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ बैठे बैठे होने वाले रोग, बैठे हो अचानक से आपको लगा कि आपके शरीर में गिल्टी पड़ गई, राइट, गिल्टी पड़ गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैंसर का नाम देंगे, क्या देंगे, कैंसर का नाम। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो कैंसर रोग होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका इसको हम लोग दो प्रकार से जान सकते हैं। एक होता है यहाँ पे आपके लिए जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया, क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। ये जो ल्यूकेमिया रोग होता है दोस्तों आपके लिए, हाँ जी, ये जो आपके लिए ल्यूकेमिया रोग होता है दोस्तों, ये जो यहाँ पे ल्यूकेमिया रोग है, ये आपका रक्त में जब आपके जो है ब्लड कैंसर हो जाता है, जो ब्लड कैंसर नहीं होता है, ब्लड कैंसर, डॉक्टर ने कहा है ब्लड कैंसर हो गया है, माँ 5 बोतल खून चाहिए, ठीक है, ये वो ब्लड कैंसर, इसको हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसी तरह से आपके लिए एक और हो जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे सार्कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्कोमा। सार्कोमा जो है आपका ये रोग, ये आपका यूजुअली जो स्किन की लेयर्स होती है, जैसे आपके लिए यहाँ पे लंग कैंसर होता है, राइट, यहाँ पे लंग कैंसर हो गया आपके लिए, इसको हम लोग सार्कोमा के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार के कैंसर। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, एक बीमारी और है बड़ी घातक होती है, जरा सुनिएगा इसके बारे में,
उसको हम लोग मिठास का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मिठास का रोग कहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपका डायबिटीज कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए कैंसर, और ये हो जाएगा आपके लिए डायबिटीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज को हम लोग यहाँ पे हिंदी में एक और शब्द देते हैं इसका, मधुमेह। अब पता नहीं उन्होंने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि मधु का मतलब होता है शहद, राइट? मधुमेह तो मतलब जो शहद को शायद यहाँ पे उसकी वजह से होने वाली बीमारी है कि नहीं, जबकि शहद से इसका कोई संबंध है ही नहीं। डन। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये जो मधुमेह यानी डायबिटीज होती है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे डायबिटीज जो है इसके दो प्रकार होते हैं। डायबिटीज के कितने प्रकार है यहाँ पे? दो प्रकार, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे दो प्रकार के बारे में, तो ऑफकोर्स एक है टाइप वन, दूसरा है टाइप टू। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टाइप वन के बारे में, तो ये आपका बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चों में क्या होता है, छोटे होते हैं ना, तो यहां पे उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। एक मिनट, मधु माने शुगर भी होता है, मधु माने वैसे शहद होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मधु का मतलब शुगर कब से हो गया? इतनी मेरी हिंदी गंदी नहीं है, मीठा ही होता है, श्योर हो? चलो भाई ठीक है, वैसे हमने तो आज तक यहाँ पे मधु का मतलब तो शहद ही सुना था हमने तो हिंदी में, है ना, तो मुझे लगा शायद वो उसी से बना होगा। यस बट मोर ऑर लेस इट इज इट शुगर। हाँ बाबा, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने तो लिखा ही उसको वहां पे इसीलिए, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक सोचने वाली बात, ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई गलत है या सही, ठीक है। उससे देखो हम लोग हमारे आपके डिस्कशन से ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी गलत हो जाएगी या अलग हो जाएगी फिर लोग यूज नहीं करेंगे। डन, होगा तो वही ना जो यहाँ पे आप लोग किताबों में छपा हुआ है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो बच्चों में होता है, और एक होता है दोस्तों जो यहाँ पे आपका एडल्ट, जिनको हम लोग युवा कहते हैं, युवा कहेंगे इसको, युवा कहेंगे, वयस्क कहते हैं इसको, वयस्कों में होता है, राइट। तो एक है जो आपका दोस्तों चिल्ड्रन में होने वाला रोग होता है, और एक होता है जो आपका एडल्ट में होने वाला रोग, ठीक है। शहद करेक्ट है बट मीठा भी कह सकते, हाँ नहीं अरे वो तो एक अलग चीज है बाबा, कोई डिबेट मुझे आप लोगों के साथ करनी है, मैं आप लोगों का डिबेट क्यों करूंगा, ये बताओ, इसमें वही नहीं बनता ना, वैसे बोलने को तो मुझे मिल रहा है। अच्छा जरा 10 सेकंड के लिए अपना समय दीजिए, ये आपके लिए एक छोटा सी स्लाइड मैंने बनाई, इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई यहाँ पे डाउट है, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो प्लीज जरूर पूछिएगा, एक नजर देखिए। हाँ जी, माफ कीजिएगा 2 मिनट के विलंब के लिए, राइट। तो कहाँ थे हम लोग? टाइप वन और टाइप टू पे। डन हो गया, यहाँ तक डन हो गया, यहाँ तक डन है। पहले एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर यहाँ पे हो चुका है। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अगर यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं तो, ठीक है। विनय का हो गया, बाकी सब लोग भी प्लीज बताए एक बार, राइट। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। यहाँ पे अगर कोई को खाली मैं ही बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट। अगर मैं आपको जानूंगा तो शायद मतलब बन सकता है कि नहीं। हाँ, मेरा सबसे होनहार छात्र कहाँ है? अच्छा, आप लोगों को शायद ना पता हो, पुष्पांजलि जो है इस समय हमारे टॉपर्स की लिस्ट में है, नॉट जस्ट फॉर द यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बट ऑल्सो फॉर द सीएचएसएल। कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात, चलिए फटाफट एक बार कंफर्म कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हो गया टाइप वन और टाइप टू, ठीक। अब एक छोटा सा सवाल पूछते हैं आपसे, छोटा सा, चल तिन्ना वाला, ठीक। मुझे सोच के बताना क्या यहाँ पे आपके लिए आपका वो सही है या गलत, ठीक से। मैं आज सवाल ये पूछूंगा, इतना सब पढ़ा दिया, ठीक। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपके लिए यहां पर दोस्तों, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। एक क्या होता है?
एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए जो नॉन कम्युनिकेबल होता है समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 1 लिख दिया, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 लिख दिया, दो सवाल पूछूंगा, ठीक है। ध्यान से देख के बताइएगा कि वो किसमें आएगा, डन है, रेडी है ना सब लोग, ठीक है। पुष्पांजलि, विनय, सब लोग रेडी है ना, अमित, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला सवाल आएगा, सिर्फ ये बताइए पहले, पोलियो ये जो होगा आपका, जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है, ये किसमें आएगा, संचारी में कि गैर संचारी। ठीक है, ठीक है, सुरजीत का मुझे मिल चुका है, सुमित का राइट आंसर मिल चुका है, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, कहाँ, वेरी गुड विनय, एक बार फिर से प्लीज देखें क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पे। हाँ जी, सिर्फ एक मुझे राइट आंसर मिला, मैंने कहा वायरस की वजह से होता है। वायरस दोस्तों जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, यानी जब हमारे शरीर को कांटेक्ट करता है, राइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो राइट आंसर होगा आपके लिए ये कम्युनिकेबल डिजीज का, डन है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछते, देखे कितने लोग बता पाएंगे, ध्यान से सुनना आपकी बात। अगला सवाल थोड़ा अलग है, और यहाँ पे आपके लिए अगर बात करें आपसे, तो प्रश्न मेरा आपसे ये होगा कि आपके लिए यहाँ पर जो डायबिटीज रोग है, जो मधुमेह है, वो किसमें आएगा, अब बताओ जरा फटाक से, पहचानो और बताओ, बस आपका यही काम, पहचानो और खटाक से बताओ, पहचानो और बताओ, दैट्स इट। ठीक है, सुरजीत का क्या राइट आंसर है, ठीक है, ओके, वेरी गुड सुमित, शाबाश। अभी इसके बारे में एक चीज आपको और क्लियर करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, हाँ नहीं 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 वो हेरिटेबल अभी बता रहे हैं कैसे आपका, सही कहा आपने। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डायबिटीज को दो तरीके से जान सकते, एक होता है जिसको मैं कहता हूं कि ये भैया आपका नॉन कम्युनिकेबल है, माने अगर आपके शरीर में एक बार अगर इंसुलिन ने काम करना कम बंद कर दिया तो ये रोग होगा, ये मेरा कहना, ठीक। दूसरी तरफ ये आपका एक जेनेटिक रोग भी होता है, लेकिन ये जेनेटिक रोग तभी माना जाएगा, समझेगा शिशु, जब यहां पे आपका ये आपका यहां पर जो है, अगर एक्स या वाई क्रोमोसोम, ये आपका जो है ना एक्स लिंग है, ठीक है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे अगर ये आपका लिंक, तो जेनेटिक रोग तब कहा जाता है जब ये सेक्स क्रोमोसोम पे आ जाएगा, वरना इसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल की कैटेगरी में ही रखेंगे, इस डिफरेंस को समझिएगा, राइट। एक्स वाई क्यों लिया मैंने, ऑटोसोम क्यों नहीं लिया, ऑटोसोम भी ले सकता, लेकिन ये एक्स वाई से होने वाली बीमारी होती है, ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पे पहुंचती है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया आपके लिए प्रश्न, दो प्रश्न हो गए आपके लिए। अच्छा, एक बार फिर से बता, देखो ध्यान सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये बिना छुआ छूत का आपकी रोग होता है, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका इंसुलिन की वजह से होने वाला रोग है, इंसुलिन अगर कम पड़ जाएगा, डन है, तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा, अगर इंसुलिन कम होगा तो वो बढ़ जाएगा, ऐसे समझो, अगर मैं इधर से दबाया तो वो उठ जाएगा, है ना, अगर मैंने ग्लूकोज कम कर दिया तो इंसुलिन बढ़ जाएगा, यही तो मतलब हुआ, अगर मैंने इंसुलिन को कम किया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ये मतलब। तो यहां पे इंसुलिन की वजह से अगर ये रोग हो रहा है, तो मैंने कह दिया नॉन कम्युनिकेबल, अस्थमा, अस्थमा जो है यहां पे आपका एलर्जिक में आया, एलर्जिक को अगर कहें आपके लिए, तो नहीं, ये भी कम्युनिकेबल है, एलर्जिक भी आपका यहां पे कम्युनिकेबल नहीं आएगा, राइट। तो देखो यहां पे अगर बात करें आपके शरीर के अंदर, अगर बिना किसी कॉन्टेक्ट के, तभी इसको नॉन कम्युनिकेबल रखना, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर ऐसा नहीं क्योंकि आपके अद्दा मारेगा तब से उस सर पे फूटा वो कैंसर ना, जब आपके शरीर से अंदर से वो फूला निकला है तब उसको हमने नॉन कम्युनिकेबल कहा है, ठीक है। तो अस्थमा कम्युनिकेबल, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अब देखो यही जो कमी, ठीक है, ये इंसुलिन का जो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पे आपका ये हो गया खराब, ये क्या हो गया आपका क्रोमोसोम, ये हो गया खराब, है ना, तो अगर ये खराब हो गया दोस्तों, तो ये आपका सीधा जाएगा आपके अगली पीढ़ी में, और अगर ये अगली पीढ़ी में चला गया, तो इसलिए हम इसको यहां पे जेनेटिक रोग भी कहते हैं। विनय क्लियर हो गया, बताना, डन है, आप क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए क्या है? अच्छा डन डना डन। अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा ठीक बढ़िया। आज कोई राजा बेटा है। हाँ फिर डिजाइनर बेबी बनाना होगा, समझा नहीं। अच्छा डिजाइनर बेबी इसके लिए बता रहे हो ये? तो नहीं नहीं वाकई में होता है, पता है तुम लोगों को। यहाँ पे अभी आप लोग शायद इतना आइडिया ना हो, यहाँ पे कई अब बच्चे होते हैं जिनको अगर मान लो कोई बीमारी है जेनेटिक रोग, ठीक है। हाँ हाँ वही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपके लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा। हाँ वेरी गुड, अच्छी चीज है। तो नहीं वाकई में ये तो चीज ऐसी थी कि आपको पढ़ना ही सीखा, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों को, जो मैं बताता था ना बातों में, मलेरिया, मलेरिया का अब जाके वैक्सीन आया, राइट। तो आप सबको भी देखो जो चीज फ्यूचरिस्टिक है उसके बारे में जानो ना, जैसे AI हो गया, राइट, जैसे आपका ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब जानो, ठीक है। ये है असली विज्ञान, वो थोड़े ना जो पढ़ रहे हो बैठ करके, है ना, वो थोड़ा ये थोड़ा ये, तो वो असली विज्ञान वो होता है। विज्ञान का मतलब है खोज करना। एड्स का भी डिजाइनर बेबी है एक, एड्स का भी डिजाइनर बेबी है एक। चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो यहां पे अगर, यहां तक बिना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हम लोगों ने बात की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, बस। हाँ तो यहां पे अगर चेहरे पे ही शैतानी लिखी होती है। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए दो चीजें हमेशा याद रखें, ठीक है। क्या यहां पे एक होता है आपके दोस्तों, एक्चुअली में ये होते हैं आपके हार्मोन्स। क्या होते हैं आपके हार्मोन्स? होते हैं, एक हो जाएगा आपके यहाँ पे इंसुलिन और दूसरा हो जाएगा ग्लूकेगन। होता तो एक सोमेटोस्टेनिन भी है, लेकिन उसका काम होता है मिनरल को कंट्रोल करना। तो एक हो जाएगा आपका इंसुलिन, दूसरा हो जाएगा ग्लूकेगन, ठीक है। तो इंसुलिन में क्या होता है, ये आपका जी यानी कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो समझो इंसुलिन के ऊपर, ये देखो ऐसे याद कर लो, ग्लूकोज के ऊपर इंसुलिन है, ये उसके ऊपर बैठ के इसको दबा रहा, क्या कर रहा है, दबा रहा, डन है। और वहीं अगर बात करें ग्लूकेगन के बारे में, तो ये ग्लूकेगन क्या करेगा, ये इसके नीचे बैठा रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाता है। ये क्या करता है यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ उठाता है। डन, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखो इसको, जो मैंने कहा इसको समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब की बार हम लोग यहाँ पे लेंगे आपके लिए कम्युनिकेबल डिजीज। विनय आगे बढ़े, ठीक है शाबाश। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये तो हो गया आपके लिए कम्युनिकेबल डिजीज, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यहाँ पे आपके कई सारे मैंने आपको नाम बताए, ठीक है। अब जरा इन नामों के बारे में एक एक करके हम लोग आपके साथ चर्चा करें। तो अगर मैं कहता हूं कभी भी आपके लिए कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संचारी रोग, राइट, तो कम्युनिकेबल डिजीज में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला आता है, या चलिए आपको फोटो से ही दिखा देते हैं, पहले आपको नाम बता देते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में जो आपके लिए सबसे पहले आएगा, वो आएगा आपका विषाणु की वजह से होने वाले रोग। कौन से आते हैं? विषाणु की वजह से होने वाले रोग। अब अगर मैं कहता हूँ विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है, पहले जीवाणु ले लेते हैं, चलो विषाणु से शुरू करते हैं। तो विषाणु में अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए विषाणु का मतलब हो गया आपके लिए वायरल डिजीज। क्या हो गया? वायरल डिजीज। अब इसकी एक खासियत समझना कि अगर मैं कहता हूं आपके लिए वायरल डिजीज, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो, इंग्लिश भी लिखते जाइए, इंग्लिश क्योंकि मैं लिख रहा हूं, हिंदी भी है, कंफ्यूजन हो गया। तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो विषाणु रोग होते हैं यानी कि वायरल डिजीज होते हैं, राइट। तो अगर बात करें यहां पे आपसे दोस्तों वायरल डिजीज के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा, ये यूजुअली आपकी नॉन ट्रीटेबल होती है। क्या होती है यहाँ पे आपकी? नॉन ट्रीटेबल होती है। नॉन ट्रीटेबल का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यूजुअली इनका कोई इलाज नहीं, ठीक है। और आपके लिए दोस्तों जितनी भी बीमारियां आएंगी, ठीक है, जितनी भी आपके यहाँ पे रोग आएंगे, उसमें से आपको जो मेजोरिटी आप यहाँ पे आपके दोस्तों रोग देखेंगे, उसमें दो चीजें सिम्टम्स आपको हमेशा देखेंगे, याद रखिएगा। वायरल डिजीज की बात कर रहा हूँ, यूजुअली, नॉट यूजुअली, ऑलवेज नहीं होता, यूजुअली होता है, क्योंकि ये अपने आप बाद में ठीक भी हो तो हो जाते हैं। नॉन ट्रीटेबल मतलब ये क्या होता है, अपने आप ठीक होने वाले, यूजुअली लिख देता है, वरना कहोगे सर ने लिख दिया था नॉन ट्रीटेबल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो नॉन ट्रीटेबल होती है, इसमें दो चीजें आपको हमेशा देखने मिलेंगी, कोई भी आपको बीमारी हो वायरस की, ठीक है। दो आपके यहाँ पे चीजें क्या होती है, नंबर वन, एक तो यूजुअली लगभग मेजोरिटी ऑफ रोगों में, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, ठीक है, या फिर इसके अलावा एंथ्रेक्स हो, सब में आपके शरीर में दाने निकलते, पहला चीज। दूसरी चीज यहाँ पे इसके अलावा बुखार,
ये दो यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं आपके वायरल डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, सबसे पहले लेंगे आपके लिए यहाँ पे वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज के बारे में दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका इवानोवोस्की को। किसको जाता है? इवानोवोस्की को यहाँ पे इसका श्रेय दिया जाता है, राइट। और वही इसके अलावा बात करें आपसे तो इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इनके पास ये पत्ती रखी हुई थी, इन्होंने इसको यहां पर आपका पहले डीनेचर किया मतलब इसको तोड़ा, और तोड़ करके दोस्तों यहां से इसके से इस इन्हें लगा कि ये चकत्ते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी चकत्ते को यहां पे आपका आइसोलेट कर दिया। और जब इनको ये आपका वायरस मिला तो इन्होंने कह दिया कि मैंने एक वायरस की खोज की। तो मैं कह सकता हूं पहली बार वायरस की खोज आपकी प्लांट में ही की गई। और प्लांट का नाम क्या था? तो कह सकते हैं तंबाकू भी बहुत खाते होंगे, है कि नहीं। तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो टोबैको मोज़ेक वायरस इसका नाम था। टोबैको मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब पता क्या होता है? उसका जो यहाँ पे डिजाइन है वो आपका यहाँ पे चितकबरा हो जाए, उसे मोज़ेक कहा जाता है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं? मोज़ेक के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अलावा बहुत सी होती है यहाँ पे, अगर आप आलू में जाएंगे तो आलू में विल्टिंग होती है, राइट। शुगर केन में विल्टिंग होती है, विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। तो ये मोज़ेक है, इसमें क्या है, इसमें आपका रंग बदल जाएगा मतलब चितकबरा हो जाएगा, ये मोज़ेक वायरस। तो इसमें पता किया गया। हाँ, टोमेटो में भी होती है, हर एक, चाहे आप चाहे कोई भी फल ले, विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, मोज़ेक का मतलब होता है उसका रंग खराब। डन है, इतना डन हो गया, ठीक है। तो ये नोट, टोबैको मोज़ेक वायरस को यहाँ पे आपका फाइंड, ठीक है। अच्छा, सच में, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके लिए यहाँ पे वायरस। अब वायरल डिजीज को देखते हैं, ठीक है। वायरल डिजीज की अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए जो सबसे पहला रोग आता है वो आता है हेपेटाइटिस, समझिएगा। अब अगर मैं हेपेटाइटिस लिखता हूं तो आपके लिए दोस्तों एक रोग और होता है जिसको मैं पीलिया कहता हूं। क्या कहता हूं? पीलिया कहता हूं। इसको मैं यहाँ पे आपका जॉन्डिस के नाम से जानता हूं। पीलिया यानी कि ये जॉन्डिस है, ये जॉन्डिस, राइट। लेकिन अगर बात करें आपसे हेपेटाइटिस तो ये दोस्तों यहाँ पे ये भी यकृत की ही बीमारियां, ये दोनों यकृत की बीमारियां, लेकिन जॉन्डिस अलग है, हेपेटाइटिस पीलिया शब्द अलग है, इसको याद रखिए। हेपेटाइटिस का मतलब क्या, राइट। तो हेपेटाइटिस में पहले तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपके लिए कुल छह इसके टाइप होते हैं, ए बी सी डी ई एफ नहीं होता, जी होता है, ए बी सी डी ई जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें से आपके लिए तो आपके लिए जो ए और ई होता है, राइट, ए और ई होता है, ये आपके पानी से संचारित होने वाले रोग, ये आपके यहाँ पे पानी से संचारित होने वाले रोग। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए बी सी डी और जी, ये जो दोनों रोग, चार रोग हैं आपके लिए, ये आपके रक्त से प्रभावित होते हैं। मतलब पता है क्या है, मान लो एक व्यक्ति को यहाँ पे अगर आपको हेपेटाइटिस है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम लेना चाहो किसका ले लो, एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर देयर नेम, कोई अपना नाम यहाँ पे चाहता है कि उसका यहाँ पे नाम बताया जाए, सुरजीत जी का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे, नॉट आपको, मुझे यहाँ पे हेपेटाइटिस, ठीक है, एक्स नहीं, फिर मजा नहीं आता उसमें, बायो की क्लास है, जी और जीना है, राइट, एक्स और वाई तो मैथ में, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल नाम मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए सुरजीत जी, ठीक है, मैं और तो सुरजीत। तो यहाँ पे अब मुझे जो है हेपेटाइटिस हो गया, अचानक से क्या हुआ कि सुजीत का हुआ, यहाँ पे आपको उन्हें रक्त की जरूरत, तो उनको मैंने अपना अगर रक्त दे दिया, समझना इस चीज को, तो मेरे शरीर का जो हेपेटाइटिस वायरस था वो उनके में चला गया। डन। तो सबसे ज्यादा रक्त से यहाँ पे आपका हेपेटाइटिस फैलता है, दूसरा खराब पानी से भी फैलता है, खराब पानी का हो चाहे खराब खाना का हो, इन दोनों से आपके लिए फैलता है। डन है, ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अब जो यहाँ पे टीका लगता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी का सबसे ज्यादा लगता है, सुना होगा आप लोगों ने कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके लिए टीका लगाया जाता है। यहां तक डन है ना, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है वो समझिएगा, यहाँ पे जो आपका लिवर होता है, राइट, है ना भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट भी तो कहते हैं भाई, हिपेटोसाइट याद आया, है ना, हेपेटोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लिए लिवर होता है ये आपका यहाँ पे इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्ट मतलब कंटेमिनेटेड हो जाता है। अब कंटेमिनेशन की अगर दोस्तों बात करें तो आपका शरीर यकृत को हम लोग केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसके नाम से केमिकल फैक्ट्री, लेकिन किस चीज के लिए केमिकल फैक्ट्री, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की केमिकल फैक्ट्री। अब मुझे बताओ अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल फैक्ट्री हो गई खराब,
डन। तो जो एसिड भी आपका यहाँ पे जा रहा है वो एसिड जा रहा है लगातार, यकृत में बाइल यूज बनी नहीं था, तो यानी कि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो कोका कोला पीने के बाद, एसिडिटी का मतलब है जलन होना शरीर में। तो आपके शरीर में यहाँ पे जलन बढ़ जाएगी राइट, तो आपका जी कैसा होगा, मितलाएगा ठीक है, उबकाइयां सी आएंगी, बुलाएंगी नहीं आएंगी, भाई शरीर में एसिड बढ़ गया ना, उबकाइयां आएंगी बहुत तेज, जी मितलाएगा राइट। इसके अलावा उल्टी भी हो जाएगी आपको, क्योंकि एसिड आपके शरीर में बहुत ज्यादा है राइट। तो यही तीन काम होते हैं जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा होते हैं, ये है आपके सिम्टम्स राइट। तो एक तो ऑफकोर्स यहाँ पर उसका एक सिम्टम होता है जॉन्डिस, जिसको हम लोग पीलिया कहते हैं, ये एक सिम्टम है हेपेटाइटिस, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में यहाँ पे जो बिली रूबीन और बिली वर्डिन था, ये आपका दोस्तों यहाँ पे बढ़ने लग गया, तो बिली रूबीन बढ़ने लगा। इसके अलावा काई आएंगी, पेट में दर्द, ये है हेपेटाइटिस बीमारी जो कि वायरस के कारण। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए एक बार ठीक है, 10 सेकेंड्स। ये थी हेपेटाइटिस बीमारी। इज इट क्यूरेबल? इसकी वैक्सीन बताई तो मैंने अभी आपको, हेपेटाइटिस बी और सी के, इसलिए आप लोग वैक्सीन का नाम ज्यादा सुनते हो। लेकिन कोशिश ये रहती है 13 साल से पहले अगर आपको हेपेटाइटिस बी लग जाए तो ज्यादा सही रहता है। हेपेटाइटिस बी का जो टीका है ना, वो 13 साल से पहले अगर लग जाए तो आपको ज्यादा फायदा है। अब लगवा लेते हैं लोग, लेकिन उतना फायदा नहीं होता ठीक है। सर मोबाइल हैंग कर रहा था इसलिए वीडियो बंद कर दिया। नहीं, इट्स ओके विनय, बस ये कि मेरा आप लोग के बिना मन नहीं लगता, ये सच्चाई ठीक है। आप लोग यहाँ पे उसमें रहते हो, ऑन रहते हो ठीक है, थोड़ा यहाँ से यहाँ पे लगा रहता है कि हाँ भाई दुनिया है ना। वरना मैं सच बताऊँ, मुझे यहाँ पे केवल दो ही रंग दिख रहे हैं, एक काला है एक सफेद, यहाँ पे स्लाइड कर, दैट्स इट राइट। तो ये है मेरे साथ ठीक है। चलो भाई पुष्पांजलि यहाँ पे आ गए, इट्स ओके, आप लोग बंद करके आराम से अपना जो है पढ़ो, इट्स ओके। वो तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा, बिना पूछ रहे थे ना, बिना कह रहे सर मोबाइल बंद कर दिया तो मैं उनको बता रहा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये हो गया आपके लिए हेपेटाइटिस ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक और बीमारी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे बीमारियों के बारे में, अगली बीमारी को देखिए, ये है डेंगू बीमारी राइट। दो बीमारी डेंगू है, डेंगू के अलावा एक और आती है मलेरिया। मलेरिया हो गया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए अगर बीमारियों में कहा जाए तो आपके लिए पेचिस हो ठीक है, उसको हम लोग डायरिया कहते हैं। ये बीमारियां अलग है, डेंगू बीमारी अलग। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे तो आपके लिए नहीं, हमेशा प्यारे लगते है ना, छोटे बच्चे हमेशा प्यारे लगते ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो देखो, आपके लिए दो बीमारियां हैं, एक है आपके लिए डेंगू, और खासतौर पर वो जो कि यहाँ पे पढ़ते भी अपना अपना काम भी कर रहे हैं मेहनत से है कि नहीं। तो यहाँ पे एक हो गया डेंगू, दूसरा हो गया आपके लिए मलेरिया। एक क्या हो जाएगा, एक हो गया डेंगू, दूसरा हो गया मलेरिया। तो डेंगू जो है दोस्तों, ये आपका वायरस से होने वाली बीमारी है जिसको हम लोग विषाणु के नाम से जानते हैं, ये आपके लिए विषाणु से होने वाला रोग है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, अरे अच्छा मौसम ध्यान रखो है ना, अभी ध्यान रखो अपना, दवाई वाई लेते रहना, वरना बिना दवाई के जाता नहीं। और अगर बात करें मलेरिया के बारे में तो ये आपका प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। ये किससे होने वाली बीमारी है? प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आपके लिए जो डेंगू होता है, नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो डेंगू है ये एक वायरल बीमारी होती है, और इसको यहाँ पे आपके लिए जो फैलाने वाला जो आपके लिए मच्छर होता है उसको हम लोग एडीज एजेप्टाई कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडीज एजेप्टाई के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पे सरनेम है एजेप्टाई। अभी मलेरिया की पूरी कहानी सुनाएंगे, बढ़िया है ठीक है। अच्छा सुरजीत को भी वायरल पकड़ लिया भैया, आप लोग अपने अपने, एक तो ये है खाना ढंग से खाया करो है ना। आजकल आप लोग है ना वो बर्गर सर्गर ज्यादा खाते हो। ऐसा नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने खाया, लेकिन मैंने खाना खूब खाया तो मेरे शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है ना। आप लोग सिर्फ बर्गर खाते हो वो नुकसान कर जाता है। हम लोगों ने तो ये सोचो, गांव में जाते थे तो वहां पे जब दाल चावल बनता, दाल चावल सिर्फ दाल चावल है, और दाल चावल में कुछ ना करो तुम, 4 चम्मच घी डाल दो है, सुनो मजा आता है ना राइट। वो घी वाले जो दाल चावल है ना, और जो रोटी बनती है वो चूल्हे वाली, फेल है सब। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मौका मिले मैं गांव में, तुम देखना मैं कभी ना कभी अपने जिंदगी में अपने लिए ऐसा कोई व्यवस्था जरूर करूंगा। आई लव इट। हाँ सही बात, उसकी फ्रेगरेंस है उसको कहाँ, ये चूल्हे की रोटियां थोड़ा ना फ्रेगरेंस का मुकाबला कर लेते हैं। इसलिए गाँव का आदमी कभी जल्दी शहर नहीं आता, उसको पसंद ही नहीं, वो जानता है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, धुएं में रह रहे हैं, हम अच्छे में रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मलेरिया के बारे में बात करें तो ये आपका एडीज एनाफिलीज की वजह से होने वाला रोग है, डन है ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए दो मच्छरों के नाम, जिससे यहाँ पे आपका एक तरफ डेंगू होता है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मलेरिया होता है।
राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और होती है, इन दोनों बीमारियों से, ये मैंने एक साथ क्यों लिखी, क्यों, ताकि आपको एक जगह याद हो। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों की वजह से जो आपका रक्त होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, राइट। ये रक्त जो है आपका ये टूट जाता है, क्या कर जाता है, टूट जाता है। आप समझ, आप सोचो आपका शरीर में अगर रक्त जो है ये टूट गया, ब्लड सेल जो है ये आपकी टूट गई, राइट। तो अगर ये ब्लड सेल्स आपके शरीर में टूट गई हैं, तो समझिएगा आपके शरीर में दोस्तों यहाँ पे अगर रक्त टूटा है, रक्त क्या करता है, रक्त दो काम करता है, एक तो आपके शरीर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचा रहा है, दूसरा आपके शरीर के तापमान को कंट्रोल कर रहा है। अब रक्त टूट गया, रक्त है ही नहीं, तो आपके शरीर का तापमान अपने आप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका एक रीजन तो ये है कि वो टूट रहा है, दूसरा अब आपका शरीर बीमार पड़ रहा है तो प्रतिरोध करता है शरीर उस बीमारी को रोकने की, तो उसमें गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से जैसे ही आपका रक्त टूटेगा आपको सबसे पहले फीवर आता है, डन है। अब इस फीवर की यहाँ पे कथा सुन लो, ये भी जान लो कि डेंगू और यहाँ पे आपका जो मलेरिया, इसमें हाई तौबा क्यों होती है। अब होता क्या है कि भाई जैसे अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये था आपके लिए यहाँ पे आरबीसी, ये टूट गया, लेकिन शरीर है, शरीर फिर से जोड़ देगा, है कि नहीं। तो जैसे ही टूटेगा आपको बुखार आएगा, जैसे ही जुड़ेगा बुखार उतर जाएगा। तो इसीलिए ये एक हफ्ते की पूरी साइकिल होती है आपके शरीर में, मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, जिसमें आपका ये शरीर सही होता है। तो उस दौरान कई बार बुखार आएगा, कई बार आपका उतरेगा, राइट, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो आपकी ब्लड सेल्स होंगी, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, तो यहाँ पे आपके लिए दोनों अगर यहाँ पे आपके प्रभावित होंगे, तो याद रखिएगा आपका फीवर जो है, मुझे एक मिनट का समय दीजिए, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से, एक मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी, ये 2 मिनट के लिए आपको माफी चाहेंगे, राइट। एक्चुअली में अभी पूरा घर जो है ना पूरा शांत पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो चलिए बैक टू यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे। तो इसलिए जब लगातार यहाँ पे आपका फीवर बना रहता है, समझिएगा, तो इसकी वजह से अब आपका जो यहाँ पे रक्त की कमी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अच्छा इसको जो है ना, जब मैं मांगता हूँ ना, तो राइट, तो ये एक कह सकते हैं यहाँ पे रह रहा है ना, तहजीब जो ना कुछ ज्यादा ही आ गई है ये हो जाता कई बार। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो कई बार तो क्लास में हुआ, मैं क्लास में जो है पता चला कि कहीं खांसी आ जाएगी, तो हमने कहा माफ कीजिएगा, तो कह रहे हैं माफ किया जाओ। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए, हाँ, अब देखो जब लगातार आपका रक्त टूटता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे आपका एक तरफ हेमरेजिक कह रहे हैं, यानी कि दिमागी बुखार कह रहे हैं बच्चों, राइट। और वहीं जब आपके बड़ों में आएगा, तो देखो बोन ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ज्यादा दर्द। बोन ब्रेक का मतलब ये नहीं हड्डी टूट गई, बोन ब्रेक का मतलब होता है ज्यादा दर्द, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसको बोन ब्रेक फीवर कहते हैं आपका एडल्ट्स में, और आपका बच्चों में कहते हैं इसको हम लोग हेमरेजिक फीवर, इसको दिमागी बुखार कहा जाए, डन है, ठीक है। अगला दिखाते हैं, अब इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, एक और आपको दिखाते हैं। हाँ, अब देखो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में एक चीज जान लीजिएगा,
ये यहाँ पे भले ही आपके लिए लिखा है सेकेंड मोस्ट कम्युनिकेबल, लेकिन ये दोस्तों आपका एक सामान्य सर्दी खांसी ही होता है। क्या होता है? सामान्य सर्दी खांसी को ही हम लोग यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंजा रोग के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे एक तरफ आपके लिए इन्फ्लुएंजा है जिसमें आपके शरीर में जो आपका अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो आपका इम्यून सिस्टम राइट वो आपका प्रभावित होता है, ठीक है। और अगर बात करें आपसे यहाँ पे कौन सा वायरस है जो प्रभावित करता है, इसको हम लोग राइनो वायरस कहते हैं। याद होगा आप लोगों को कि राइनो शब्द जो है हम लोग यहाँ पे आपका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, नोज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो नोज में यहाँ पे आपका वायरस होता है इसी को हम लोग यहाँ पे आपका राइनो वायरस के नाम से जानते हैं। अब इसको यहाँ पे एक नाम और दे दिया गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आपका बुलेट डिजीज भी कह दिया, लेकिन इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक रोग और है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। वेट अ मिनट, एंड इट्स ओवर। अच्छा, यहाँ पे मैं देखो एक बात बता रहा था, शायद हो सकता है मैंने ऐड ना की हो, ध्यान नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए एक रोग होता है, इसको बैक कर लो। हाँ, तो आप लोगों में दोस्तों यहाँ पे आपके शरीर में एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपके लिए, एक यहाँ पे नाम हो जाएगा आपके लिए, एक हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, ठीक है। एक हो जाएगा आपके लिए स्मॉल पॉक्स, ये आपका यहाँ पे वेरियोला वायरस के कारण होता है, ये आपके यहाँ पे वेरियोला वायरस के कारण होने वाला रोग, ठीक है। और वहीं अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा आपके लिए चिकन पॉक्स, ये आपका यहाँ पे वेरिसेला की वजह से होने वाला रोग है। यहाँ पे क्या होता है, चिकन पॉक्स जो है आपका ये वेरिसेला की वजह से होने वाला रोग होता है, ठीक है। ये वेरिसेला वायरस है, ये आपका वेरियोला वायरस। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे स्मॉल पॉक्स के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों ने दो नाम सुने यहाँ पे, एक नाम सुना होगा आपके लिए दोस्तों चेचक। क्या नाम सुना होगा? चेचक। तो ये चेचक में होता क्या है कि आपका जो शरीर है, समझिएगा, आपका जो शरीर है स्मॉल पॉक्स चेचक में जितने भी आपके हाथ और पैर, हाथ और पैर, मैंने पेट नहीं कहा, हाथ और पैर में बड़े बड़े फफोले जैसे पड़ेंगे। हाथ और पैर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके फफोले यानी पानी वाले जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, पानी वाले जो पानी छोड़ दे भर जाए पूरी तरीके से, वो होते हैं स्मॉल पॉक्स में। तो इसीलिए इसको यहाँ पे चेचक के दाग भी कहे जाते हैं। जो फफोले होते हैं ये बाद में दोस्तों अपने निशान छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, ये बाद में अपने यहाँ पे निशान छोड़ देते हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। ये स्मॉल पॉक्स था, डन है। तो चिकन पॉक्स में क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स को हम लोग यहाँ पे आपका छोटी माता के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? छोटी माता के नाम से जानते हैं, राइट। और ये जो चिकन पॉक्स होता है इसमें होता क्या है, ये आपका वेरिसेला वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें होता क्या है कि आपका जो बीच का धड़ है, समझ, हाथ पैर पे हल्के होंगे, जो बीच का जो धड़ होगा ना, यहाँ से गर्दन से लेकर के नीचे तक का, इसमें आपके लिए छोटे छोटे से दाने पड़ेंगे, और जैसे ही लेटोगे ना इधर से उधर, वो दाने जो है वो इतना तेज आपको दर्द करेंगे, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका छोटी माता यानी चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, राइट। ये है चिकन पॉक्स, और इससे पहले जो पढ़ा हम लोगों ने वो था स्मॉल पॉक्स। तो याद रखिएगा, इसमें दोस्तों आपके लिए कोई भी निशान नहीं होता है, आपका यहाँ पे चिकन पॉक्स में कोई निशान नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कोई भी निशान नहीं होता है, डन है, ठीक है। तो एक है चिकन पॉक्स जो कि वेरिसेला से होता है, दूसरा है आपका स्मॉल पॉक्स जो कि वेरियोला वायरस से यहाँ पे फैलता है, ठीक है। बिना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते। अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक बीमारी और आती है जिसको यहाँ पे हम लोग आपका एड्स की बीमारी कहते हैं, ये भी आपकी वायरल बीमारी, फिर हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की तरफ भी चलेंगे। तो एड्स जो बीमारी है इससे आपके लिए कुछ सवाल स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, इसको समझिएगा। अभी यहाँ पे आपके लिए पोलियो भी आएगा जो पोलियोमाइसिटीज नामक आपके वायरस के कारण आती है, पहले एड्स को देखो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे एड्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो आपसे पूछता है वो पूछता है इसका फुल फॉर्म यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो दोस्तों आपके लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, राइट, इसको यहाँ पे हम लोग आपका एड्स का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्स का रोग कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें आपके समझने वाली जो चीज ये है कि ये रोग का नाम, ये क्या है आपके लिए, ये रोग का नाम होता है, राइट। ये क्या है एड्स आपके लिए? ये रोग का नाम होता है। और यहाँ पे जो आपके लिए शब्द लिखा है इम्यूनो,
ये बताता है कि सबसे ज्यादा प्रभावी आपका अंग कौन सा होता है, तो आपकी इम्यूनिटी होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है, राइट। तो ये जो दोस्तों आपके लिए इम्यूनिटी, यहाँ पे सबसे प्रभावित अंग कौन सा हो गया आपके लिए, सबसे ज्यादा जो दोस्तों आपके लिए प्रभावित अंग होगा उसका नाम नोट कीजिएगा, वो हो जाएगा आपके लिए इम्यूनिटी। कौन सा हो जाएगा आपके लिए? इम्यूनिटी, राइट। तो अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो इम्यूनिटी होती है यानी कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती, समझिएगा यहाँ पर दोस्तों जो आपके लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको हम लोग यहाँ पे आपका वो आपका खत्म हो गए। इस रोग को समझना, आपको बड़ी खूबसूरती मिलेगी इस रोग को समझने। अच्छा, अगर बात करें, ये तो रोग हो गया, इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होता है इसका वायरस। इससे भी सवाल पूछा था, वायरस को हम लोग HIV के नाम से जानते हैं। तो एक बीमारी हो गई स्मॉल पॉक्स, दूसरी हो गई चिकन पॉक्स, तीसरी हो गई एड्स। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं वायरस को हम लोग HIV कहते हैं, इसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हैं, राइट। इसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये जो दोस्तों आपके लिए HIV होता है, राइट, यहाँ पे आपके लिए जो HIV रोग होता है, ये आपका एक वायरस है और ये आपका एक रोग। अब इसमें समझना हुआ क्या। अब मान लीजिए आपके शरीर में, मैं कह रहा हूं आपसे दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है, यानी आपकी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी जो है आपके शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से होती है। तो यहां पे अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी हो जाए समाप्त, समझना इस चीज को, अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी हो जाए समाप्त, तो मुझे जरा बताना कौन सा रोग हो जाएगा जो आपके, अगर शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाए, कौन सा रोग पकड़ सकता है आपके हिसाब से? अगर इम्यूनिटी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, सोचो आपके घर के दरवाजे पूरे तरीके से खुले हुए हैं, चाहे कोई कैसे भी आए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी यहाँ पे आपका कुछ भी आपको दे के चला जाए, तो ये है आपका इम्यूनिटी को खत्म होना। तो मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मान लो आपको खांसी हुई, समझना आपको खांसी हो गई, राइट। अब यहाँ पे आपको पहला रोग मिला एड्स की वजह से, खांसी। अब यही खांसी जो है आपका, ये आपको अस्थमा दे देगा, यही अस्थमा यहाँ पे आपको जो है हार्ट की बीमारी दे देगा, यही हार्ट की बीमारी आपको किडनी की बीमारी दे देगी, और यही किडनी की बीमारी आपको यहाँ पे, अरे फिर तो बचेगा क्या, राइट, है कि नहीं सुमित? ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो जब प्रभावी अंग होगा यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे अगर ये समाप्त हो जाएगा, तो आप प्रत्येक बीमारी से यहाँ पे आपको उससे लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो प्रत्येक बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है आपकी वो समाप्त हो जाती है, लड़ने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है, क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती। तो ये हो गया। तो ये था आपके लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा एक और आता है पोलियो वायरस। अब जगह नहीं है, पीछे है। हाँ, अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे पोलियो के बारे में, राइट, पोलियो, पोलियो के बारे में एक चीज समझिएगा कि ये जो आपके लिए दोस्तों रोग होता है, ये पोलियो वायरस, इसको हम लोग पोलियोमाइसिटीज के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पोलियोमाइसिटीज कहते हैं इसको, राइट। और मेरा दोस्त विलोय का गांजा, गिलोय का गांजा, आई श्योर, ये अच्छा बढ़िया है। तो यहाँ पे आपसे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए सबसे बढ़िया पता है क्या है, बजाय इन सब चीजों करने के, चमनप्रास वगैरह खा लो, बेस्ट है ना, घर पे मिल जाएगा, बजाय कुछ फालतू चीजें करने के। उसको तुम ज्यादा पता था, ज्यादा फर्मेंट कर रहे हो, ज्यादा वो कर रहे हो, तो मतलब। तो पोलियोमाइसिटीज के बारे में अगर बात करें, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका जो पोलियोमाइसिटीज होता है, ये पता है, ये आपकी बड़ी आंत में जाके पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है ये? आपके आंत यानी पेट में जाकर के पहुंचता है, ठीक। अब बड़ी आंत से ये सीधा पहुंचता है आपका स्पाइनल कॉर्ड पे। कहां पहुंचता है? स्पाइनल कॉर्ड पे, यानी बड़ी आंत से ये आपका चला गया स्पाइनल कॉर्ड तक, ये पीठ के पीछे चला गया, आपके पेट में आया, पेट से आपका सीधे पीठ में चला गया। तो जब यहाँ पे आपको ये पोलियो वायरस मिलता है, ठीक है, तो ये पोलियो वायरस जो है दोस्तों, जो आपके शरीर में प्रवेश किया तो सीधे आपके पेट में आके वहां पे रहे, फिर धीमे धीमे करके जब इसकी शक्ति बढ़ेगी, तो ये सीधा आपका अटैक करेगा स्पाइनल कॉर्ड। अब मुझे बताइएगा, आप लोगों को शायद यहाँ पे ध्यान भी होगा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, राइट, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है दोस्तों, ये आपका क्या यहाँ पे नुकसान करेगी? स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपका कहाँ पे नुकसान करेगी? तो प्यारे साथियों, इसकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, एग्जैक्टली, ये आपका नर्वस सिस्टम को यहाँ पे प्रभावित करती है। क्या करती है? यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम को यहाँ पे आपका प्रभावित करती है। तो ये जो दोस्तों आपके लिए तंत्रिका तंत्र होता है, राइट, यहाँ पे जो आपके लिए तंत्रिका तंत्र होता है, इसको यहाँ पे अगर आपका ये नष्ट कर देगी, समझिएगा, अगर ये आपका यहाँ पे इसको नष्ट कर देगी, तो प्यारे साथियों, ये है आपके लिए वो बीमारी जिसके अंतर्गत अब आपके हाथ, तो यूजुअली पैर ही होते हैं वैसे, यहाँ पे आपके पैर, और इसके अलावा हाथों में भी कई बार लकवा मार जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाथ और पैरों में आपका लकवा पड़ जाएगा। वैसे यूजुअली पैर ही होते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है
वही आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा लकवा मार। तो ये है आपका पोल और इसके लिए यहाँ पे हम लोग दोस्तों आपका ओपीवी देते हैं। क्या देते हैं? ओपीवी। आपका वो सर ओपीवी क्या है? ओपीवी कुछ नहीं है, जो आप पोलियो की ड्रॉप पीते हो हर संडे को, ठीक है, जो आती है आया पिलाने के लिए, ठीक है। तो वो हाँ, तो इसको हम लोग यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और होता है, वो आपको बताए दे रहे हैं। एक आपके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, दूसरा होता है आईपीवी इंजेक्टेबल। अब नहीं पिलाती कोई बात नहीं, अच्छा है, नहीं पिलाती है बोला, तुम तो उनकी पूरी सीसी खाली कर दो। तो यहाँ पे अगर बात करें, एक हो जाएगा आपके लिए आईपीवी, इसको हम लोग इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो ये दो वैक्सीन होती है जो हम लोग यहाँ पे पोलियो के रोग के लिए यूज करते हैं। तो ये है दोस्तों आपके लिए पोलियो। पोलियो के अलावा हम लोगों ने देखा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इसके अलावा यहाँ पे एड्स, ठीक है। ये थी आपकी दोस्तों वायरल बीमारियां। फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं आपके यहाँ पे बैक्टीरिया। अच्छा, मीजल्स और खसरा भी देख लो। ये मीजल्स और खसरा में होता क्या, समझिएगा, ये जो बीमारी होती है यूजली दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, इसमें चाहे इसमें गले में सूजन आ जाए, लेकिन इसमें भी दोस्तों चकत्ते पड़ जाते हैं। देख रहे हो, ये चकत्ते पड़ जाते हैं। इसको हम लोग गलसुआ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको यहाँ पे गलसुआ के नाम से जानते हैं। ये आपकी रुबोला वायरस से होती है, रुबोला वायरस से होती है। तो ये जो गलसुआ होता है, इसमें गले में आपकी सूजन आ जाएगी, मुंह में सूजन आ जाएगी, चेहरे पे आपके चकत्ते जैसे दाने जैसे पड़ जाएंगे, राइट। ये है आपका दोस्तों बच्चों में होने वाली बीमारी, ठीक है। पैरालिसिस का फंक्शन क्या होता है? पैरालिसिस का फंक्शन मतलब ये होता है, पैरालिसिस का लकवा, लकवा सुजीत, लकवा मारना कहते हैं उसको। तो अगर बात करें मीजल्स के बारे में, राइट, मीजल्स को हम लोग यहाँ पे खसरा भी कहते हैं, खसरे का टीका भी लगता है यहाँ पे आपके लिए। तो ये जो मीजल्स होते हैं, इसमें आपके शरीर में चकत्ते पड़ जाएंगे, आपको बुखार आएगा लगातार बार बार। तो ये जो बीमारी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आपका, इसको कहते हैं खसरा, ठीक है। ये यूजुअली अगर आप देखो तो खसरा जो ये बीमारी होती है, ये जानवरों के निकट रहने से ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो शब्द देख रहे हो ना पैराजाइन, ये आपका दोस्तों यहाँ पे जानवरों के निकट रहने से आपका ये वायरस आपको जल्दी मिले, खसरा, डन है। चलो फटाफट बैक्टीरियल डिजीज आपको दिखा दें। अब देखो अगर बात करें बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, अब जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, ठीक है, जितनी भी लगभग मैं कह रहा हूँ ऑन एंड अराउंड, तो दो चीजों में आपका प्रभावी अंग होगा, एक होगा पेट और दूसरा होगा फेफड़ा। बस यही दो अंग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वायरल के बारे में जो मैंने बताया था उतना याद रख लेना, कोई भी सवाल आएगा उसको आप क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पेट और आपके जो फेफड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? ऑफ कोर्स यहाँ पे लिविन हॉक है। और इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको बता ही देते हैं, अगर यहाँ पे जिक्र किया है तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, इसके बारे में एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके जो दो फादर होते हैं, ठीक है, दो जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं, एक हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए लिविन हॉक, एक कौन हो जाएंगे आपके लिए? लिविन हॉक, ये कौन हो जाएंगे आपके लिए? ये हो जाएंगे लिविन हॉक, ठीक है, ये कौन होगा आपके? लिविन हॉक। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे रॉबर्ट कोच, यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके लिए? रॉबर्ट कोच। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे रॉबर्ट कोच और लिविन हॉक है, राइट, रॉबर्ट कोच और लिविन हॉक है, कौन से? लिविन हॉक। लिविन हॉक वहां के थोड़े ना थे, लिविन हॉक जो है ना ये आपके शायद इंग्लैंड से, मे भी इतना मुझे करेक्ट, इनका यहाँ पे डिसेंस वही याद नहीं है, डिसेंस कहाँ के, लेकिन शायद वही उसी के अराउंड के आसपास। तो लिविन हॉक और रॉबर्ट कोच को हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिविन हॉक जो है ना, अगर कहा जाए जर्मन के तो नहीं, जर्मन के तो नहीं, वो नाम ही अलग होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे आपको, आपके सामने है दो रोग, समझिएगा, इन दो रोगों में इस रोग के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है। अब इस दो रोग से यहाँ पे दो सवाल आपसे हमेशा बनते हैं, ये है क्या, पहले समझिए, क्षय रोग है क्या? क्षय रोग को हम लोग यहाँ पे काक रोग के नाम से भी जानते हैं, ये काक रोग भी है, ये क्षय रोग। तो अगर बात करें आपसे टीबी रोग के बारे में, तो आपके जो शरीर फेफड़े हैं ना, इन फेफड़ों में जो बैक्टीरिया होगा दोस्तों, वो यहाँ पे आपका इतना ज्यादा इंफेक्शन बढ़ा देगा कि बॉडी को लड़ने के लिए फेफड़ों में फ्लूइड भरना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका शरीर जब फांसेगा ना, उसमें बलगम भी आएगा। अच्छा, इस टीबी की यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि ज्यादा खांसने से मौत हो जाती है, होना लगता है, मौत हो जाती है टीबी से, इसलिए खतरनाक होता है टीबी। तो यहाँ पे अगर बात करें सांस लेने में दिक्कत होती है, हाँ भाई, मगर नीदरलैंड के होंगे, मे भी ये जर्मनी इटली के नहीं होंगे, उसी साइड के, ये नीदरलैंड समझ लो यूके से ऊपर वहां पे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए लो, कुछ लोग कह रहे डच है,
तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो टीबी रोग, ठीक है, इस टीबी रोग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो ऑफकोर्स यहाँ पे इसका बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसका नाम ही वो बैक्टीरिया क्योंकि रखा गया बीमारी का नाम। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहां पर जो क्या बता रहे थे, हाँ, टीबी के बारे में, तो टीबी जो होता है दोस्तों, ये आपका बीसीजी का जो वैक्सीन होता है, राइट, बीसीजी का, ये आपको इसको टीका लगाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग आपका बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन के नाम से जानते हैं, बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन है, ये दोस्तों यहाँ पे आपका टीका तब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति को यहाँ पे आपका टीबी हो जाता है। लेकिन समस्या ये है, सॉरी, किसी बच्चे को यहाँ पे तब लगाया जाता है ताकि वो टीबी के रोग से बच सके। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वयस्क और उसको यहाँ पे टीबी हो गया है, अब क्या होगा, उसको वैक्सीन तो लगाई नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं डॉट्स का, पक्के इलाज का पक्का वर्क, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। इसको लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स। तो ये दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, इसके बारे में समझिएगा। शॉर्ट कोर्स जो होता है आपके लिए, इसके बारे में समझिएगा। इसमें होता क्या है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपके लिए जो टीबी होता है, टीबी में यहाँ पे आपको यूजुअली जितनी भी एंटीसेप्टिक्स वगैरह दवाइयां दी जाती हैं, ये आपका रेगुलर पर डे के बेसिस पे दी जाती है। इसमें रोल सबसे ज्यादा होता है आपके डॉक्टर का, यानी कि अगर कह सकते हैं डॉक्टर अपने सामने बैठा के, क्या लगे ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर अपने सामने बैठा करके जो मरीज है उसको डेली दवाई खिलाएगा, राइट। इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका डॉट्स, अप्रोक्सीमेट 3 महीने का आपका कोर्स होता है। तो इसमें यहाँ पे आपका इसको कहा जाता है डॉट्स, यानी पक्के इलाज का पक्का वादा। ये है WHO का आपका मिशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड, इसको हम लोग आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। आंत ज्वर होता है, यानी पेट का बुखार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो साल्मोनेला है, याद रखना ये हमेशा पानी से फैलने वाला दोस्तों ये आपका बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, कहीं भी लिखा हो साल्मोनेला की वैरायटी, भले ही पैरा टाइफ ही हो, कोई भी हो। टाइफाइड हुआ था आपको, सुनो, टाइफाइड यूजुअली हो जाता है। जितने लोग ये चार्ट बता, हाँ वाला, हाँ वो उस बात सही है, वो नहीं भैया भैया जरा वो नमकीन वाला, थोड़ा तीखा पानी, तीखा पानी है तो उनको जो है ना दो बीमारियां जरूर लगती है, एक तो टाइफाइड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हाँ दर्द होता ही होता है। और इसके अलावा अगर बात करें, एक बीमारी और होती है, वो होता है यहाँ पे MIBSIS और आपका डायरिया। तो जिन्होंने ये कह दिया भैया भैया तीखा और जरा लगा रहा ना, तो भैया तीखा क्या लगाते हैं, नाखूनों से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए हो गया होगा, बता तो पानी से ही होता है। तो यहाँ पे अगर बात करो, साल्मोनेला कहीं भी आपको मिले, साल्मोनेला हमेशा पानी का ही आपका बैक्टीरिया माना जाता है। तो ये आपका छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत को प्रभावित करने का मतलब ये है कि अब ये यहाँ पे लड़ने के लिए आपका दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करेगा। इसके लिए जो टेस्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सवाल पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट, जैसे यहाँ पे आपके लिए डॉट्स होता है, इस तरफ आपका वाइडल टेस्ट, विडाल कहते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको जो है विडाल के नाम से जाना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बैक्टीरियल, और इसके अलावा हो गया आपके लिए वायरल डिजीज, ठीक है। अब कोई आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा, कोई क्वेश्चन हो। अच्छा चलो, नॉर्डिक कंट्रीज बताओ, तुम लोग कह रहे थे नीदरलैंड और डच वाला, चलो अच्छी चीज है, नॉर्डिक कंट्रीज कौन से। हाँ, सबसे पहले सुमित ने जवाब दिया है, हाँ और भी है सुमित, मैं और भी एक्सपेक्ट कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कौन बताएगा, राजा बेटा बताएगा, राजा बेटा कहाँ है, राजा बेटा मुस्कुरा रहा है परेशान। तो चलिए दोस्तों, ये था आज तक के लिए यहाँ पे आपका पूरा सत्र। उम्मीद करता हूँ आज थोड़ा सा यहाँ पे आपका, हाँ तीन कंट्री जो एक साथ है ना, उनको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो तीन कंट्रीज है आपके, उन तीनों को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ ऊपर, वेरी। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए यहाँ पे ये सत्र रहेगा यहीं तक आपके लिए। फिलहाल से आपको मिलेंगे, करेंगे कुछ यहाँ पे दोस्तों फिर से आपकी नई बातें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।